हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले कि आप यहाँ पे इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अभी अभी जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में वीडियो देखा है, तो ये वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके के वीडियो को बनाना चाहते हैं अपने टिकटॉक पर, तो आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप यहाँ पे कहीं पर भी स्किप कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर वीडियो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। और आपको यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको वीडियो को अच्छे से शूट करना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन है यहाँ पर वीडियो को शूट करना। अगर आप यहाँ पे वीडियो को अच्छे से शूट कर लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे वीडियो को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे वीडियो को शूट कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक नोटिफिकेशन बेल दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको एकदम टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और अगर आपके पास काइन मास्टर का मोड एपीके नहीं है, जिसमें वाटर मार्क नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप इंस्टाग्राम पर जाकर के टेक्निकल विकास इंस्टाग्राम पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि काइन मास्टर को ओपन कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद। और उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर 9:16 का रेशियो दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक का साइज यही है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि काइन मास्टर आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है। और मीडिया वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे खुद का वीडियो आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पे वीडियो को शूट कैसे करना है। तो हम यहाँ पर अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो को शूट किया है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को कहीं पर अच्छे से रख देना है, या आपको कहीं ट्राइपॉड में इसको अच्छे से सेट कर देना है अपने फ़ोन को। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कैमरा को ऑन कर देना है, और 4 से 5 सेकेंड का आपको क्या करना है कि पहले बैकग्राउंड को कैप्चर करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो में इंटर करना है, और आपको यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन कपड़े को लेकर के, या आप येल्लो या रेड कलर के किसी भी तरह के आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कपड़े को ले लेना है। और कपड़े को लेने के बाद आपको यहाँ पे आप जैसे वीडियो को शूट करना चाहते हैं, जैसे आप उसमें एक्टिंग करना चाहते हैं, जैसा एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं, आप वैसे वीडियो को यहाँ पर शूट कर ले। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से शूट किया है, जैसे मैं यहाँ पे मतलब इसको ओढ़ लेता हूँ पूरे चादर की तरह एकदम अच्छे से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है शूट, आपको जितना 15 सेकेंड, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड का। और वीडियो को शूट करने के बाद आपको क्या करना है कि वीडियो को रोकना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो खाली बैकग्राउंड दिख रहा है, आपको इसका एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे कैप्चर करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली डिलीट के ऊपर में एक कैप्चर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस कैप्चर वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से आपको एक इमेज को कैप्चर कर लेना है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर में कैप्चर एंड सेव का, तो आपको वहाँ पर क्लिक करके आपको एक इमेज को कैप्चर कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब कटिंग करना है। तो आप अपने वीडियो में जितना पार्ट को रखना चाहते हैं, आप उतना पार्ट को रख करके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है कि कटिंग करके मतलब ख़त्म कर देना है, डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा कट कर दिया, और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। और हमें अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक इमेज को लेकर के आना है, जिसको अभी आपने कैप्चर किया था। तो पहले हम यहाँ साउंड म्यूट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में आपको साउंड भी देखने को मिल जाता है, तो यह एक्सटर्नल साउंड था, तो इसको म्यूट कर देना है। और इसके बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ से एक इमेज को कैप्चर कर लेना है, जो आपने अभी अभी यहाँ पे इमेज को कैप्चर किया था, उसको यहाँ पर लेकर के आ जाना है। और लेकर आने के बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इमेज मूव कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको अच्छे से सेट करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि इमेज पे आपको क्लिक करना है, और इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक क्रॉप का ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से जाकर इसको इक्वल कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज मूव नहीं करेगा, ये एकदम फिक्स हो जाता है। और यहाँ पर इस वीडियो पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस डुप्लीकेट वीडियो को आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको मूव करके आपको प्रेस करके थोड़ा सा रखना है, और आपको यहाँ पर लेकर के आ जाना है। और यह ओरिजिनल वीडियो है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन पर इसको डिलीट कर देना है, और इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जितना लेंथ है वीडियो का उतना आपको क्या करना है इस बैकग्राउंड को मतलब बढ़ा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इस लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है, या आपको यहाँ पर बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अब ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। तो आपको यहाँ क्रोमा की में जाना है, और इसको ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे की कलर पे जाना है, और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है, या आप जिस कलर को यूज़ कर रहे हैं आपको यहाँ पे उस कलर को सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैनेज करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा था छत पे, जिसके कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग हो गया है। तो इस तरीके से आपको इसको मैनेज कर लेना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वीडियो को बना करके मतलब अपने टिकटॉक आईडी पर अपलोड कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वीडियो एकदम 100% परफेक्ट और सही बना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर नए हैं पहली बार आ रहे हैं तो आपको चैनल क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल ऑल ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको एकदम टाइम पर मिल जाएगा। और आपको इसको शेयर करने के लिए, मतलब आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आप जैसे चाहे वैसे इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं HD या Full HD में।